नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने की संसदीय दल की बैठक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम की टीआरपी पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी। ममता बनर्जी के पलटवार के बाद सचिवालय के पास टोल नाके से हटी सेना की टुकड़ी। ममता ने कहा, लोकतंत्र विरोधी है केंद्र सरकार का रवैया। रात भर डटी रही सचिवालय। आज के बाद पेट्रोल पंप और एयर टिकटों की बुकिंग में 500 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। सरकार ने डेडलाइन में तीसरी बार किया बदलाव। नेशनल हाईवे पर भी टोल फ्री सेवा का आज आखिरी दिन। आज सैलरी डे का दूसरा दिन। सरकारी तैयारियों के बाद भी कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें। वेतन के लिए बैंकों में उमड़ी भीड़। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग की रेड में सबसे बड़ी बरामदगी। बेंगलुरु में 5.25 करोड़ रुपए जब्त। बड़ी संख्या में 2000 के नोट बरामद। 5 किलो सोने की ईंट भी मिली। जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर केंद्र पर बरसे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर। कहा, जजों की नियुक्ति को न्यायपालिका से हाईजैक नहीं किया जा सकता। और चीन के हुबेई प्रांत में बड़ा सड़क हादसा। यात्रियों को ले जा रही बस झील में गिरी। दुर्घटना में 17 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।